वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज जो मॉर्निंग शिफ्ट का आपका हरियाणा एसआई का जो एग्जाम रहा, उसका हम यहां पे आपको क्विक सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखें, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट, राष्ट्रकूटों के, ठीक है। सेकंड, विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहां पर मिले, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, हम्पी में, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था, वह स्थान कौन सा था, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, म्यांमार, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पे स्थापित किया गया, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, बंबई में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ठीक है। हरियाणा में राय बहादुर किताब से कौन सम्मानित हुआ, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, सर छोटू राम, ठीक है। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा, ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था, ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, तराउड। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत, बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल राइट है। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल हरियाणा के, ये भी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा गलत है साथियों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के नहीं है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NS10 की अभिनेत्री कौन थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम क्या है, ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, SR बोम्मई, ठीक है। भारत के विश्व कैटेज कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिया मलिक ने। नेक्स्ट, बैडमिंटन खिलाड़ी PV संधु का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, पुरुषला वेकेंट सिंधु, ठीक है। तो 15 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट है। खेलो होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, एन वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, यह जो खदरी शब्द है इसका क्या अभिप्राय है, साथियों कुछ किसके गोत्र का नाम बता रहे हैं और कुछ किसके गांव का नाम बता रहे हैं, जो खदरी गांव है ये यमुनानगर में बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जो ये खदरी है साथियों, इसके गांव का नाम है जो कि यमुनानगर में है, ठीक है। बट इसको आप फिर भी चेकआउट कर लेना, कुछ किसका आंसर बी बता रहे हैं और कुछ किसका डी, ठीक है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, श्रवण कुमार गर्ग, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, 18वें क्रम के हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है, ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, सतपाल महाराज। नेक्स्ट, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, अरविंद शर्मा, ठीक है। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है, तो साथियों ये एक अविवाहित है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, जगमोहन, बाकी सभी भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहां पे स्थित है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्थ ब्लॉक। नेक्स्ट, ऐसा या
ऐसी जो पहले गृहमंत्री भी रह चुकी हैं और बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बन चुकी हैं। कौन साथियों? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद साइन। नेक्स्ट, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, कैप्रा एग्रोस हिरकस। ठीक है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा एग्रोस हिरकस। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, हासी। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में साथियों पीएसटी इसका अर्थ क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो हमारा 29वां प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो कौन है साथियों? हासी। हासी और अमृतसर ये दो ऐसे जिले हैं साथियों जो विधिवत रूप से जिले नहीं है मगर पुलिस जिले जरूर हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हासी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, यशपाल सिंगल। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लक्ष्मण दास। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट, ये हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है साथियों, 34 34 नंबर को ध्यान से देखिए, मुहावरे का अर्थ बताएं, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण क्या है? इसमें जो विशेषण है, कुछ एक ने इसका आंसर बी माना है और किसी ने इसका सी, तो इसमें बी और सी में आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, बी और सी में कौन सा राइट है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, कर्म। ठीक है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, विश्व प्लस मित्र। नेक्स्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, कर्मधारी। ठीक है, नेक्स्ट, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, यौगिक। ठीक है, ये साथियों इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न है, तो 40 नंबर का ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 41 नंबर का साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्दर। ठीक है, इसके बाद साथियों 42 नंबर का ऑप्शन सी और 43 नंबर का भी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और 44 नंबर का इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिकतम दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसको आप निकाल सकते हैं, कमी या अधिक जो है इसको ऊपर नोट डाउन कीजिए और इन दोनों के अंतर से इसको डिवाइड कीजिए। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 480। ठीक है, नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? साथियों 10% की वृद्धि है, इसका मतलब 10/110 मल्टीप्लाई में 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और बटे कितने हैं? 11। 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 सही 1/11, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो साथियों आपके पास यहां पे एक सीरीज दी गई है, 24, 60, 120, 210। ठीक है, इससे नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसमें किस प्रकार का कंसेप्ट है? सबसे पहले 24 को ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे 3 का क्यूब करें और 3 की ही कमी करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 3 का क्यूब 27, 3 कम करेंगे 24। इसके बाद 60 हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? अगर हम 4 का क्यूब करें और 4 की ही कमी करें, 4 का क्यूब 64, 4 कम करेंगे 60। ठीक है, इसी प्रकार से 120 हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? 5 का क्यूब में 5 की कमी करें, 5 का क्यूब 125 और 5 कम करेंगे 120। ठीक है, इसके बाद 210, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 करेंगे तो 210। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है, जिस संख्या का यहाँ पे वर्ग क्या है उसी संख्या को इसमें से माइनस क्या है। तो सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो इससे नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब साथियों 343, अगर इसमें 7 की कमी करेंगे तो कितने नंबर? 336 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर एक के अंदर। ठीक है, 47 नंबर का कौन सा राइट आंसर है साथियों? ऑप्शन ए। ठीक,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है? तो साथियों ए बी सी डी में जो भी आपको संख्या दी गई है इनके जो भी अंश हैं, अंश में साथियों आपको अपने पास से दो जीरो शामिल करनी है सभी में इस प्रकार से, ठीक है। दो दो जीरो आपको अंश में अप्लाई करनी है और जो नीचे हर है हर से इसको डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो भी ऊपर छोटी संख्या प्राप्त हो वही आपकी इन भिन्नों में छोटी है। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 14/19, ठीक है। इसको आप अच्छे से और सॉल्व आउट कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाजे बन जाए? साथियों 9 से भाजे कब बनती है? जब इन सभी नंबरों का योग 9 से डिवाइड हो। तो सिंपली आप इनको ऐड कीजिए, पांच और एक छह, और दो आठ, आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और चार पंद्रह। तो इनका योग कितना साथियों? 15। और 9 से डिवाइड करने के लिए हमें 15 में कितने ऐड करने होंगे अपने पास से? 3। 15 और 3 18 और ये 9 से पूर्ण रूप से डिवाइडेबल है। इसका मतलब इस संख्या में हमें कितने नंबर ऐड करने हैं? 3, जो कि किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, लकड़ी, ठीक है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, फीमर, ठीक है। शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? साथियों प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की, बिल्कुल ठीक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। फोटोन की खोज किसने नहीं की? एच युक्वा ने नहीं की। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन साथियों इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। साय 309 में कर्मचारी का प्रावधान है, ठीक है, आप इसको चेकआउट कर लेना। अभी के लिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है, कुमारी सेलजा। नेक्स्ट, इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है, रूसो का, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद। ऑप्शन साथियों इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, इन सभी में, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पे स्थित है? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, लाडवा में, ठीक है। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो साथियों ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हरियाणा के इसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 7 जनवरी 1986। नेक्स्ट, हरियाणा में बन संतोर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट, डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं? इसका सिंपल सा मतलब साथियों ये कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन है, ऐसी कौन सी कुंजी है जिससे आप टॉप और बॉटम में जा सकते हैं? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, होम एंड, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 65 नंबर पर्सन का, ठीक है। डैश सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, डेस्कटॉप पब्लिश। नेक्स्ट, जेनेरिक शब्द डैश हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, डिवाइस, ठीक है। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के डैश के अक्षरों को मिटाती है? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, बाएं अक्षरों को। नेक्स्ट, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये डैश सर्वर कहलाते हैं? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, नेटवर्क, ठीक है। डैश बस केवल सी और रैम जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, एड्रेस, ठीक है। ये सभी प्रश्न साथियों कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, ठीक है। हेल्प को लिखा जाता है 5, तो बेल का कोड क्या होगा? तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, HELP। आप सिंपली इनकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कीजिए, अल्फाबेट में कौन कितने नंबर है? तो H आपका 8 नंबर, E 5, L 12 और आपका P 16, ठीक है। अगर इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे 8, 5, 12 और 16, तो हमें
हमें यहाँ पे नंबर प्राप्त होंगे 41, 41। ठीक है, यहाँ पे डबल डिजिट है, 4 और 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5। ठीक है, दोनों डिजिट को यहाँ पे सिंगल के हैं तो आपके पास यहाँ पे है बेल, बी ई डबल एल, तो बी अल्फाबेट में 2 नंबर, ई 5 और एल आपका 12 नंबर। ठीक है, अगर इन सभी नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होंगे, 31। दोनों को ऐड करेंगे तो साथियों 4 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, प्लेस वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन करना है और सिंपली उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी मान प्राप्त हो उनको सिंगल डिजिट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है, तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, 1858 में। ठीक है, नेक्स्ट, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है, तो ऑप्शन साथियों इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, वेब पेज की। ठीक है, 24, 36, 40 लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, या तो आप 24, 36 और 40 को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या इनमें जो भी बड़ी संख्या है इसको तब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक इन दोनों संख्याओं से डिवाइड ना हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 360। नेक्स्ट, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, मार्शल आर्ट एवं लोक कला। ठीक है, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, चांदी की खान। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 1860। नेक्स्ट, भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, हाँ। ठीक है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए कानून कब पास किया, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 5 अगस्त 2019। नेक्स्ट, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है, ऑप्शन ए पीड़ित से संबंधित कानून, ऑप्शन बी आरोपी से संबंधित कानून, तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है, श्री सोली सोराबजी। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं है, तो 83 का ऑप्शन साथियों सी बिल्कुल करेक्ट, TN सेशन। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 2015 से। नेक्स्ट, पलियोन नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, कथकली। नेक्स्ट, एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 10। नेक्स्ट, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, नेली। ठीक है, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर डैश में आक्रमण किया, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 1014। नेक्स्ट, अंधकार उन्मूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है, तो किसकी कमी से साथियों, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट, विटामिन ए। नेक्स्ट, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 2008 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 15 जून 2005। ठीक है, नेक्स्ट, इतेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था, तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, आप इसे ऑप्शन विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं, इतेश की आयु 40 वर्ष है और रोनी कितनी है, 60 वर्ष। ठीक है, एक की 40 वर्ष है और एक की 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 है, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखिए, अगर इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 वर्ष और 60 में 10 को माइनस करेंगे 50 वर्ष। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे 3:5, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव के रक्त का रंग कैसा होगा, तो साथियों मानव के रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और इसमें लाल को इंडिकेट किया है पीले से, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यदि सिरों की संख्या
48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने की बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक हमने आपको नोट डाउन करवाई है। सबसे पहले जितने पैर हैं टोटल पैर कितने आपके पास 140, इसको आपको सिंपली 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद जितने सिर हैं टोटल सिरों को इसमें से माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे 4 पैरों वाले जानवरों का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2, 7, 14, 0, ठीक है, 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर बचेंगे आपके पास 22, 22। और ये 22 कितने पैरों वाले के हैं, 4 पैर, और 4 पैर देखिए साथियों यहाँ पे एक मुर्गी है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और आपके पास एक गाय है, गाय के कितने पैर है, 4। इसका मतलब 22 तो क्या है इसमें आपकी गाय है, 22 क्या है, गाय, और पूछे किसकी संख्या, मुर्गियों की, तो टोटल सिर कितने आपके पास 48, जिसमें से 22 सिर किसके हैं, गाय के, तो इसमें से 22 को हम लेस करेंगे तो कितने बचेंगे यहां पे 26, 26। इसका मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है, 26, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, विषम संख्या 1, 3, 5 इस प्रकार से, तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट है, 2500। ठीक है, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, 72। नेक्स्ट, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों को, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, 7। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, शशिकांत दास। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, तो साथियों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन काफी जगह इसका ऑप्शन सी भी माना गया है, ठीक है, 4। तो अभी के लिए इसमें से ए या सी दोनों में से एक राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, तो साथियों इसका जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये हमने क्विक सॉल्यूशन आपका करवाया है जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का हरियाणा पुलिस एसआई का जो पेपर था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो फीमेल एसआई का पेपर है इवनिंग शिफ्ट में, उसके सॉल्यूशन के साथ हम फिर से दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।